नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी बच्चों को साक्षरता सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी बोले, शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार। भारत ने किया स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये ऐतिहासिक उपलब्धि। एम्स ऋषिकेश में नई तकनीक से हो रहा पेसमेकर प्रत्यारोपण। इस तकनीक से हार्ट फेलियर की आशंका घटी। आयुष्मान के रोगी भी उठा सकते हैं तकनीक का लाभ। और संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से शुरू होगा आईपीएल। अबू धाबी में पहला मैच मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। 10 नवंबर को होगा फाइनल मैच। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका विषय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आभासी सत्र आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सत्रों से प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे के विचार और उपयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जा सकता है। इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप न हो। शिक्षक, शिक्षाविद और शिक्षण संस्थाएं ही शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों का पर सक्रियता से भाग लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। इस व्हीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सफलता के साथ सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां अब अगले चरण की प्रगति के लिए तैयार हैं। श्री सिंह ने परियोजना में जुड़े वैज्ञानिकों से बात की और कहा कि देश को उन पर गर्व है। गौरतलब है कि देश में स्वदेशी मिसाइल क्षमता विकसित करने की दिशा में यह अहम कदम है। दिल के मरीजों में पेसमेकर इम्प्लांटेशन के लिए अब एम्स में नई तकनीक की सुविधा शुरू हो गई है। फिजियोलॉजिकल पेसिंग की ये तकनीक हृदय रोग के उन मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है जिनकी पल्स रेट कम होती है और जिन्हें बार बार चक्कर आने या बेहोश हो जाने की शिकायत रहती है। एम्स ऋषिकेश प्रशासन के डीन प्रोफेसर UB मिश्रा ने बताया कि अभी हाल ही में लालढांग हरिद्वार की 65 वर्षीय महिला के हृदय में इस तकनीक से पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया गया है। एम्स ऋषिकेश में पहली बार फिजियोलॉजिकल सिंह तकनीक का उपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से किसी हार्ट रोगी का ये ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में पहली बार किया गया है। महिला का इलाज 31/8 को किया गया है और ये महिला पूरे एक साल से चक्कर खा के गिर पड़ती थी और इसका जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की कंडीशन थी। इस महिला को हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शारदा शिवराम ने डॉक्टर भानु दुग्गल के साथ एक इसमें पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया है जो कि अपने आप में अनूठा है। पूरे उत्तराखंड में ये पहली बार किया गया है और जो आयुष्मान भारत की स्कीम है उसमें भी ये पहला प्रयास है। कार्डियोलॉजी विभाग की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर शारदा शिवराम ने कहा कि इस नई तकनीक से हार्ट फेलियर का खतरा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि जो मरीज इस मेडिकल सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वे एम्स के टेलीमेडिसिन नंबर पर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ये नया तकनीक का नाम है फिजियोलॉजिकल पेसिंग। पहले जो पेसमेकर करते थे हम, उससे हार्ट का मसल, दिल का मसल काफ़ी कमज़ोर होता था बहुत साल के बाद और हार्ट फेलियर का शिकायत हो सकता था। अभी ये नया तकनीक में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि जिनको ऑलरेडी हार्ट फेलियर हो चुका है उनमें वो रिवर्सल हो सकता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आईपीएल 2020 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पहला मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में शाम के मैच भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे से शुरू होंगे। दिन के मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेले जाएंगे। दुबई में 24 और अबू धाबी में 20 मैचों का आयोजन होगा, जबकि बाकी 12 मैच शारजाह में खेले जाएंगे। फाइनल मैच 10 नवंबर को होगा। प्ले ऑफ और फाइनल के स्थानों की घोषणा भी नहीं की गई है। मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से कहा है कि मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान किया जाए। देहरादून में राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंध समिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मत्स्य पालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा से जोड़ा जाएगा। इसमें मत्स्य पालक, मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य अभिकरण का योगदान होगा। बीमा कवर के अंतर्गत ट्राउट सहित सभी मछलियों की प्रजातियों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बैठक में डैम, तालाब और हैचरी पर सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी लगाने का निर्णय भी लिया गया है। सभी मछलियों पर जो है इंश्योरेंस क्लेम होना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उसके लाइफ स्टॉक के संदर्भ में हो, दोनों किसी जिस किसी संदर्भ में भी इंश्योरेंस कंपनी तैयार होती हो उसके साथ हम अनुबंध करें। आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड शायद पहला ऐसा प्रदेश बनेगा जहाँ लाइफ स्टॉक से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है मत्स्य पालकों को इंश्योरेंस जो है वह मिल पाएगा, जिसमें हमने 3 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें मत्स्य पालक का कितना अंशदान होगा, जिसमें विभाग या अभिकरण कितना अंशदान देगा और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कितना क्लेम और उनका हो पाएगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रजाति को डेनमार्क से मंगाया जाएगा। सभी जिलों में मछली मंडी बनाई जाएगी। उधम सिंह नगर और रुड़की में मत्स्य मंडी पहले से ही है। देहरादून, हरिद्वार सहित अन्य जनपदों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। हमने डेनमार्क से जो है ट्राउट का आइडोवल आने के जो है वो निर्णय हुआ है, जिसके लिए बोर्ड की सहमति बन गई है और मैं समझती हूँ कि अच्छे बीज ट्राउट के जो है हमारे मत्स्य पालकों को मिल पाएगा, जिससे निश्चित रूप से ट्राउट में अत्यधिक उत्पादन जो है हम देख सकेंगे। इसके अलावा मछली मंडी का भी हम लोग आने वाले समय में जो है वो शुभारम्भ करने जा रहे हैं। एक मंडी हमने रुड़की में मछली मंडी का शुभारम्भ किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गदरपुर के गोविंदपुर न्याय पंचायत में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक मसाला सेंटर स्थापित किया गया है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से जुड़ी 200 महिलाएं जैविक तौर पर मसालों का उत्पादन कर मसाला ग्रोथ सेंटर को सीधे तौर पर आपूर्ति कर रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य को लेकर गदरपुर में मसाला ग्रोथ सेंटर खोला गया है। इसमें हमारे जो NLM के समूह हैं, ये जो स्पाइसेस की मिक्सिंग और सॉरी ग्राइंडिंग वगैरह और पैकेजिंग में इसमें ये काम कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग में, तो उद्देश्य इसका यही है कि जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं उनको आर्थिक प्रगति में जोड़ा जाए और ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। इसमें करीब 74 SHGs हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो सारी महिलाएँ हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सीमा रानी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से उन्हें प्रेरणा मिली। मसाला ग्रोथ सेंटर के तहत जैविक मसाले तैयार कर वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बाजार में बेच रही हैं। इन समूहों के माध्यम से हमें आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने में सहायता मिलेगी। सेंटर में हम दो तरह के मसाले तैयार कर रहे हैं, एक मशीन के द्वारा पीस के मसाले हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, जीरा पैक किया जा रहा है और साथ ही हाथ से कूटे हुए मसाले MKSP महिला किसान सशक्तिकरण योजना, जिसके तहत हमारे न्याय पंचायत में 1100 महिलाओं का सर्वे करके चिन्हित किया गया है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत हल्दी की खेती कर रही रिंकू देवी का कहना है कि वे हल्दी का उत्पादन कर सीधे मसाला ग्रोथ सेंटर को आपूर्ति करती हैं, जिससे उन्हें काफी आर्थिक लाभ हो रहा है। MKSP योजना के तहत हमारा सर्वे हुआ है। मसाला ग्रोथ सेंटर के लिए हम हल्दी का खेती कर रहे हैं। इस हल्दी का सप्लाई हम मसाला ग्रोथ सेंटर में करेंगे।
चंपावत जिले के गांव बमनपुरी बनबसा में थारू जनजाति की महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आजीविका कमा रही हैं। गांव की 50 से अधिक महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर रिंगाल, कांस और मौज घास को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। ये महिलाएं टोकरी और फूलदान आदि का निर्माण कर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। हाथ से निर्मित इन वस्तुओं की बाजार में मांग बढ़ने से जिला प्रशासन द्वारा इन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया गया है। जिला परियोजना निदेशक विम्मी जोशी बताती हैं कि इन महिलाओं के कौशल को देखते हुए इन्हें ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान RCET से प्रशिक्षण देकर इनके कौशल का विकास किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गांव की 50 से अधिक महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। हमने देखा कि इनमें ये स्किल है, तो हमने उनको RCET जो हमारा संस्थान होता है, सरकारी संस्थान होता है, उससे ट्रेनिंग दिलवाई। पहले 13 दिवसीय एक ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद 21 दिवसीय हमने ट्रेनिंग उनके लिए अरेंज की, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा और शेप दे करके उनको मार्केट में बेचने लायक बनाया जा सके। लगभग 50 महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नीरू राणा बताती हैं कि जिला प्रशासन ने उन्हें RCET से 30 दिन का प्रशिक्षण दिया है, जिसमें पैकेजिंग, ब्रांडिंग आदि की जानकारी दी गई। बहुत अच्छा लगा समूह में जुड़ने से। पहले हम घने में बैठते थे, ये आम हमारा टोकरी वाला जो आम है पहले सब घने में होता था। धीरे धीरे हमें RCET के तहत हमें ट्रेनिंग दी गई 3 दिन की, जिससे हमें रख रखाव, पैकिंग और सामान की सुरक्षित रखना ये हमें बताया गया, जिससे हमें महिलाओं को रोजगार मिला है। समूह के एक अन्य सदस्य राखी राणा के अनुसार पहले वे खेतों में काम करती थीं, लेकिन समूह से जुड़कर जहां उनकी आर्थिकी सुधरी है तो वहीं उनके कौशल का भी विकास हुआ है। ट्रेनिंग के बाद हमें और अच्छा काम कर रहे हैं और इससे हमारा रोजगार भी हुआ है। 200 से लेकर 400 तक का हमारा बिक्री होता है और इससे हमें काफ़ी आमदनी हुआ है। महिलाएँ खूब मन लगा के काम करती इसमें। अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में मौन पालन कर रही कमला भंडारी स्वरोजगार की एक मिसाल बन गई हैं। मौन पालन से कमला न सिर्फ आत्मनिर्भर हुई बल्कि वे कई महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मौन पालन का प्रशिक्षण भी दे रही हैं। मौन पालन से उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। वर्तमान में उन्होंने अपने घर की छत और अपनी घर की क्यारी में मधुमक्खी की पेटी रखी है। उनका कहना है कि मधुमक्खी पालन से उन्हें महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये की आमदनी हो रही है। मैं ये मौन पालन का व्यवसाय करती हूँ। मौन पालन के व्यवसाय के साथ साथ बहुत लोगों को मैंने मौन पालन का सिखा भी दिया है, इसकी ट्रेनिंग भी दे दी है। इन लोगों को कोई परेशानियाँ ना हो, आत्मनिर्भर रहें, ये मेरा प्रयास है। मैं कहती हूँ आगे को भी कोई सीखना चाहे, मैं उनके सिखाने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं चाहती हूँ गाँव में जो लोग अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, वो अपने घर में भी मौन पालन का कर सकते हैं। कमला भंडारी महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर आसपास के गांव की महिलाओं को मौन पालन और उद्यानीकरण का प्रशिक्षण दे रही हैं। स्वयं सहायता समूह की सदस्य लता भंडारी, मंजू कनवाल और कमला नयाल ने कहा कि वे मौन पालन के गुर सीख रही हैं। हम एक समूह चलाते हैं, स्वयं सहायता समूह, जिसमें हम सभी चीजें मधुमक्खी पालन का कर रहे हैं और सभी महिलाएं इसमें हमारा सहयोग करती है। महिलाएं सभी सीखती है हमसे, कमला भंडारी जी से, कि हम कैसे मधुमक्खी पालन करें, सभी को आत्मनिर्भर बनाने का। कि हम भी सोचें कि आगे हमने भी कुछ करना है, कुछ मतलब ये मौन पालन के साथ साथ अदरक, खेत अदरक की हल्दी, साग सब्जी, फल फूल, मतलब बहुत चीज़ वो व्यवसाय करते हैं। हमको ये हुनर है कि हम भी इनके साथ सीखें। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी बच्चों को साक्षरता सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी बोले, शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार। भारत ने किया स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये ऐतिहासिक उपलब्धि। एम्स ऋषिकेश में नई तकनीक से हो रहा पेसमेकर प्रत्यारोपण। इस नई तकनीक से हार्ट फेलियर की आशंका घटी। आयुष्मान के रोगी भी उठा सकते हैं तकनीक का लाभ। और संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से शुरू होगा IPL। अबू धाबी में पहला मैच मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। 10 नवंबर को होगा फाइनल मैच। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।